हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 में सीबीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 2 ग्राफिक्स एंड साउंड इन क्यू बेसिक। मतलब क्यू बेसिक आज हम सीखने वाले हैं। पिछली क्लास में आपने क्लियर किया होगा और हम इसकी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही करने वाले हैं और एक कंप्लीट चैप्टर है। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो क्यू बेसिक में सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें दी गई हैं। बाई डिफॉल्ट द टेक्स्ट इन क्यू बेसिक आउटपुट विंडो इन डिस्प्ले विद द वाइट और ब्लैक कलर। तो ये चीज ऐसी है कि इसमें कहा है कि क्यू बेसिक का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है और फॉन्ट लिखा हुआ व्हाइट है, लेकिन हमारे पास तो क्यू बेसिक है ही नहीं है। तो क्यू बेसिक नहीं है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्यू बेसिक इंस्टॉल करना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। इंस्टॉल कैसे करेंगे, इंस्टॉल करने के लिए क्यू बेसिक जैसे डाउनलोड करेंगे उसकी जिप फाइल आ जाएगी और आप उस पर राइट क्लिक करेंगे। ओके, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे और एक्सट्रैक्ट हियर करने के बाद यहाँ दो फोल्डर बन जाएंगे, विन एक्सपी और आपके पास विंडो एक्सपी चला रहे हो तो विंडो एक्सपी यूज करेंगे, और नहीं तो विंडो 7 यूज कर रहे हो विंडो 7 और उससे प्लस तो आप इसको यूज करने वाले हैं। ओके, तो आप इस पर क्यू बेसिक डॉट पर क्लिक करने वाले हैं, डबल क्लिक कर देंगे या राइट क्लिक रन एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे और यहाँ पर देख सकते हैं आप इंस्टॉल कर देंगे। और मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ और मैंने पहले इंस्टॉल कर दिया इसलिए ये बॉक्स आ गया है, इसलिए इंस्टॉल कर देता हूँ और ये इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो बॉक्स आएगा उसको एस्केप कर देना है और मैं एग्जिट कर लेता हूँ हाल फिलहाल, और मैं दिखाता हूँ कि आपके डेस्कटॉप पर इसका आइकन आ चुका है। ओके, मैं क्लोज कर देता हूँ और डेस्कटॉप पर क्लिक करता हूँ, क्यू बेसिक का आइकन आ चुका है। या फिर आपका आइकन नहीं आया तो विंडो का बटन प्रेस कीजिएगा और क्यू बेसिक लिखिएगा और यहाँ से आप ओपन कर लीजिएगा। तो बाय डिफॉल्ट देखते हैं यहाँ क्या मैटर है कि इसको एस्केप कर देते हैं, फर्स्ट टाइम हम इसको कर रहे हैं। ऑल्ट प्लस एंटर से इसको बड़ी स्क्रीन कर दीजिए और यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए बाय डिफॉल्ट वो बता रहा था कि इसको बैकग्राउंड स्क्रीन ब्लैक होगी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बैकग्राउंड स्क्रीन ब्लू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। और एक कमांड रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले CLS टाइप करते हैं, CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, जो हम हर बार जो लिखेंगे वो पिछली बार का मैटर क्लियर करता जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट और लिखते हैं यहाँ पर डबल कोट्स में, कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है डबल कोट्स में दी जाती है, और लिखेंगे प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं यहाँ पर एंड में सबसे ज्यादा लिख देता हूँ END कर देता हूँ और इसको मैं रन कराता हूँ। तो रन में जाके देखिए स्टार्ट, और अब इसका डिफॉल्ट देखिए कि यहाँ पर वो उस ब्लैक स्क्रीन की बात नहीं कर रहा था, वहां जहाँ प्रोग्राम लिख रहे थे बात कर रहा था कि जहाँ इसका आउटपुट आ रहा है वहां इसकी ब्लैक स्क्रीन आएगी और जो उसका फॉन्ट कलर होगा वो व्हाइट कलर होगा। ओके, तो वहां की बात नहीं चल रही थी, यहाँ की बात चल रही है। ओके, अब इससे आपको बाहर निकालना है तो कोई भी की दबा दीजिए, यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ओके, तो मैं कोई भी की दबा देता हूँ तो ये आ जाता है। अब हम चलते हैं अपने बुक की तरफ और कंप्लीट करते हैं कि बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इन क्यू बेसिक आउटपुट विंडो इज डिस्प्ले विद द वाइट और ब्लैक कलर। जो भी हमारा आउटपुट आएगा जिसमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा और फॉन्ट स्टाइल वाइट होगा। You can change the foreground as well as background color. मतलब जो आपने लिखा हुआ है वो चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द आउटपुट। जो आउटपुट आता है उसको इम्प्रूव करने के लिए द कलर स्टेटमेंट यूज टू सेट द स्क्रीन डिस्प्ले कलर, यानी कलर स्टेटमेंट इसको कलर इसका कलर चेंज करने के लिए यूज की जाती है, और जनरल फॉर्म ऑफ द कलर स्टेटमेंट इज। यहाँ पर कुछ दे दिया गया है कि ब्लैक कलर के लिए 0 होगा और ये लिस्ट दी हुई है पूरी कि डार्क ब्लू के लिए 1 होगा, डार्क ग्रीन के 2, सियान के लिए 3, डार्क रेड के लिए 4, इस तरह से सारे कलर दिए गए हैं, आप पर क्लियर कर लेना। और इसका एग्जांपल कैसे देते हैं, रियल स्टेटमेंट लिखिए कलर 3, 0, दिस स्टेटमेंट विल सेट द
फोर ग्राउंड कलर एज यू एज सियान एंड एंड बैकग्राउंड कलर एज ब्लैक, मतलब इसका जो जो फॉन्ट लिखा होगा सियान कलर का हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर ब्लैक रहेगा। और कहा यू कैन ऑल्सो सेट द फोरग्राउंड कलर बाई यूजिंग ओनली वन नंबर, एक नंबर के थ्रू आप बैक फोरग्राउंड का यूज कर सकते हो विद कलर स्टेटमेंट। तो और आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, कलर 10 लिख देंगे तो दिस स्टेटमेंट सेट द फोरग्राउंड कलर एज लाइट ग्रीन, ओके तो ये लाइट ग्रीन की हो जाएगी। तीसरा है यू कैन ऑल्सो ओमिट फोरग्राउंड कलर इफ यू वॉन्ट टू सेट ओनली बैकग्राउंड कलर, अगर आप ये चाहते हो कि केवल और केवल बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आपकी स्टेटमेंट होगी कलर और यहाँ पर कुछ नहीं होगा कॉमा सिक्स दिस स्टेटमेंट विल सेट ओनली बैकग्राउंड कलर एज ऑरेंज, और इससे क्या हो जाएगा सिक्स पे बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाएगा। ओके अब इसका हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं और चलते हैं क्यू बेसिक की तरह। ओके क्यू बेसिक में जाते हैं और इसको मैं ऑल्ट एंटर से बड़ा कर लेता हूँ पूरे को स्क्रीन को जिससे आपको क्लियर दिखाई दे, और मैं वापस इसको सारे को क्लीन कर लेता हूँ। CLS लिखना लिखा रहने देना है क्योंकि पुरानी स्टेटमेंट क्लियर होती रहेंगी। तो सबसे पहले आपको जो यूज करना है वो करना है COLOR और 3, एक मिनट 3, 0 ओके। अब इसमें क्या करना है, कोई भी स्टेटमेंट देनी है मैं लिख देता हूँ पी प्रिंट और इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ कि दिस इज ओनली चेंज फोरग्राउंड कलर, ओके। अब मैं इसको रन कराता हूँ और रन कराने के बाद देख सकता हूँ, रन कराने के या तो F5 दबाएंगे या रन में जाएंगे। और 3 का मतलब होता है कि इसमें जो 3 है डार्क ग्रीन सॉरी सियान कलर हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ओके आप देख सकते हो कि इसका कलर चेंज हो चुका है, सियान कलर हो चुका है इसका, ओके। सेकंड स्टेटमेंट पे बात कही गई थी, आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट पे बात कही गई थी कि आप ओनली ऑन केवल फोरग्राउंड कलर बाय यूजिंग ओनली वन नंबर विद द कलर, देखो पिछले वाले स्लाइड में है, ओके ये दिया हुआ है इसमें। और केवल इसमें फोरग्राउंड कलर चेंज मतलब फॉन्ट का कलर चेंज हुआ था और इसमें आपका क्या कलर चेंज होने वाला है बैकग्राउंड फोर। यू कैन ऑल्सो सेट द फोरग्राउंड कलर बाय यूजिंग ओनली वन नंबर, केवल एक नंबर यूज कर सकते हो, केवल 0 ना लगाएं। जैसे कि आप यहाँ 10 यूज किया गया है, तो 10 का मतलब मैं आपको बता दूं कि 10 के लिए आप केवल एक कलर चेंज कर सकते हो और 10 नंबर पे आप अपनी बुक में देख लेना लाइट ग्रीन है, तो मैं केवल 10 कर दूंगा और यहाँ केवल में 10 लिखा हुआ है और 10 लिखने के बाद एक मैच ओके और मैं यहाँ पर कर देता हूँ टाइप करता हूँ यहाँ पे मैं द बैकग्राउंड कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, मैं द बैकग्राउंड सॉरी फोर ग्राउंड कलर एज 10 पर कौन सा आ जाता है 10 पर कलर लाइट ग्रीन, ओके और मैं यहाँ पे एन टाइप कर देता हूँ और रन करता हूँ। यहाँ पे रन करने के बाद आप देख सकते हो कि इसका कलर ग्रीन हो चुका है, ओके। नेक्स्ट स्टडी करते हैं, नेक्स्ट क्या है अपनी स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड है कि अब आपको प्रोग्राम बनाना है और ये प्रोग्राम पूरा बना लीजिए कि यहाँ पर कलर फोरग्राउंड कलर के लिए 14 और बैकग्राउंड कलर के लिए 9 यूज करेंगे, तो 14 पर आने वाला है आपका 1/4 येलो और फोरग्राउंड कलर आपका येलो हो जाएगा और 9 पर है बैकग्राउंड कलर, है ना। पिछले स्टेटमेंट में शायद गलत बोल गया हूँ मैं कि 14 पर आ जाएगा आपका फोरग्राउंड कलर यानी फॉन्ट का जो कलर है और 9 पर आ जाएगा बैकग्राउंड कलर और 9 पर है लाइट ब्लू, ओके। तो मैं आप इसको यूज करने वाला हूँ आपके क्यू बेसिक में, क्यू बेसिक में मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ कलर और यहाँ पर डालता हूँ 14.9, ओके और मैं सेम यही रहने देता हूँ और एक और स्टेटमेंट दे दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। द फोरग्राउंड कलर इज यहाँ से मैं कर देता हूँ येलो और मैं दूसरे में फिर प्रिंट करके स्टेटमेंट दे देता हूँ और यहाँ प्रिंट करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे द बैक ग्राउंड
कलर इज लाइट ब्लू। ओके, अब इसको रन करा के देखेंगे कि क्या कलर आते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू है और फोरग्राउंड कलर है वो येलो है। ओके, आपके सामने क्लियर हो चुका है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारी स्लाइड में क्या है। क्रिएटिंग ग्राफिक इन QBasic। अब हमें QBasic में ग्राफिक बनाना है। ग्राफिक्स के रिलेटेड ही चैप्टर था ग्राफिक एंड साउंड। इन द कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड ऑफ स्मॉल पॉइंट ऑफ पिक्चर एलिमेंट। जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन बनी होती है वो छोटे छोटे पॉइंट से बनी हुई होती है। दीज पिक्चर एलिमेंट आर नोन एज पिक्सल, और इनको ही हम पिक्सल कहते हैं। द नंबर ऑफ पिक्सल डिफाइन द रिसोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन, और जो नंबर होते हैं मतलब इनको हम रिसोल्यूशन कहते हैं। द नंबर ऑफ पिक्सल मतलब जो पिक्सल की क्वांटिटी होती है, नंबर होते हैं उनको रिसोल्यूशन कहा गया है। अ ग्राफिक इमेज इज मेड अप मेड बाय लाइटिंग वेरियस पिक्सल्स। जो भी एक ग्राफिकल इमेज बनी होती है वो कुछ पिक्सल से मिलकर बनी होती है इन डिफरेंट कलर, और उसके कलर कलर और उनके कलर भी अलग अलग होते हैं। द क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले इज बेटर विद मोर नंबर ऑफ पिक्सल्स, और जो डिस्प्ले की क्वालिटी बेटर होती है वो होती है कि ज्यादा से ज्यादा पिक्सल्स उसमें हो। इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें द हाइजर द रिसोल्यूशन हाइजर इज क्लैरिटी ऑफ द डिस्प्ले इमेज। मतलब रिसोल्यूशन हाई होगा तो इमेज की क्वालिटी भी हाई हो जाएगी। ओके, स्क्रीन स्टेटमेंट। अब स्क्रीन स्टेटमेंट के लिए कहा गया है दिस स्टेटमेंट यू टू सिलेक्ट द स्क्रीन मोड ऑफ डिस्प्लेइंग ग्राफिक्स। इसका यूज क्या क्यों किया जाता है, इसका स्क्रीन पर डिस्प्ले ग्राफिक को यूज करने के लिए किया जाता है। देयर आर मेनी स्क्रीन मोड्स, कई सारे स्क्रीन मोड हैं। एवरी स्क्रीन मोड हैज अ नंबर, और हर एक स्क्रीन मोड का एक नंबर दिया हुआ है। द वेरियस स्क्रीन मोड्स डिफर इन द रिसोल्यूशन, और हर एक स्क्रीन मोड अलग रिसोल्यूशन से डिफरेंस है। द जनरल फॉर्म फॉर द स्टेटमेंट इज, यानी इसकी स्टेटमेंट, जैसे हमने कलर की स्टेटमेंट लिखी थी, आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने कलर की स्टेटमेंट लिखी थी, उसी तरह हम यहाँ पर स्क्रीन की स्टेटमेंट लिखेंगे। हियर स्क्रीन मोड इज अ नंबर दैट कैन बी यूज द चेंज द स्क्रीन टू वेरियस स्क्रीन रिसोल्यूशन। जो ये स्टेटमेंट है वो आपके लिए वो रिसोल्यूशन चेंज करेगी। द डिफॉल्ट स्क्रीन मोड इज जीरो, यानी जब स्क्रीन इसका स्क्रीन मोड जीरो ही होता है, डिफॉल्ट का मतलब ऑटोमेटिक जो प्री डिफाइंड होता है। विच टेक्स्ट मोड एंड डज नॉट सपोर्ट ग्राफिक्स, जो क्या करता है कि ये ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता है। प्रैक्टिकल भी करेंगे अभी इसका हम, तो इसके लिए स्क्रीन मोड दिया गया है। स्क्रीन मोड इज दैट सपोर्ट ग्राफिक्स, जीरो के लिए टेक्स्ट मोड है, वन के लिए ये दिया हुआ है, एट जितने दिए हुए हैं आप अपना स्टडी कर लेना इसको, स्क्रीन को पॉज करके, और हम चलते हैं आगे की तरफ। और पी सेट स्टेटमेंट, पी सेट स्टेटमेंट क्या है, और मैं सोचता हूँ कि इसका जरा प्रैक्टिकल कर लेते हैं हम सबसे पहले स्क्रीन का। तो सबसे पहले चलते हैं अपने QBasic में, और QBasic में जाने के बाद मैं ऑल्ट एंटर करता हूँ, और ऑल्ट एंटर करने के बाद मैं यहाँ से इतनी स्टेटमेंट को रिमूव कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कि अभी मैं इसको रन कराता हूँ तो अभी इसका फॉन्ट स्टाइल कैसे होने वाला है, मतलब नॉर्मल दिख रहा है, आप देख ही रहे हो। अब इसको हम चाहते हैं कि कुछ चेंजेस करना है। ओके, चेंजेस करना है तो क्या करेंगे कि पहले स्क्रीन से मैं बाहर आ जाता हूँ निकल के। ओके, अब मैं कुछ यहाँ पे टाइप करता हूँ, स्क्रीन SCREEN स्क्रीन 8। अब मैं स्क्रीन 8 है तो अब इसका देख सकते हैं कलर के, सॉरी अब इसका आप देख सकते हो रिसोल्यूशन के ये बढ़ चुका है। देखिए पहले अलग था और अब अलग है, आप देख सकते हो। ओके, तो इस तरह आप अपने स्क्रीन को भी चेंज कर सकते हो। तो अब आगे चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और देखते हैं पी सेट स्टेटमेंट। पी सेट स्टेटमेंट क्या होता है, पी सेट इज अ शॉर्ट फॉर पिक्सल सेट। पी सेट क्या होता है कि एक पिक्सल सेट होता है, और दिस स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले पिक्सल ऑन द स्क्रीन जनरल फॉर्म ऑफ द एक्स, जनरल फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट पी सेट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट कलर कोड। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है, इसकी कमांड दे दी है वेयर द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आर यूज टू स्पेसिफाई द पोजिशन। ये इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं ऑफ द पिक्सल। इफ कलर कोड इज नॉट गिवन, और कोई कलर कोड नहीं दिया गया तो QBasic ड्रॉ द डॉट यूजिंग द वाइट कलर, और इसको ये ऑटोमेटिक वाइट कलर में चेंज कर देता है। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम टू मेक यूज द पी सेट स्टेटमेंट। अब ये एक प्रोग्राम दिया है और इसको बना के देखेंगे और क्या इसमें शो होता है आप देख सकते हो। ठीक है,
वैसे मैंने आपको बना दिया, लेकिन पीसेट के थ्रू भी अब कुछ आपको प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूँ। चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं। और मैं यहाँ पर पूरी कमांड देने वाला हूँ जो लिखी हुई थी, यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्क्रीन 13 और मैं साथ के साथ सब कुछ कर इसको कर देने वाला हूँ। कमांड लिखते हैं, चलिए कमांड है पी सेट और इसमें आप लिखने वाले हैं 5, 10, 4 एंटर पी सेट 319, 119 2 और पी सेट में तीन कमांड लिखी है यहाँ पर 160, 100, 14। ओके, अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, किस लिए हम लिख रहे हैं ये सब कुछ। और मैं यहाँ से रन करता हूँ, स्क्रीन देख सकते हो आप काफी बड़ी हो चुकी है और देख रहे हो यहाँ पे पिक्सल्स कुछ अलग अलग कलर के शो हो रहे हैं। देखिए एक पिक्सल आपको रेड कलर का शो हो रहा है और दूसरा येलो कलर का और तीसरा ग्रीन कलर का। तो आप अपने बुक में भी देख सकते हो कि ये दिया हुआ है इसमें। देखिए यहाँ पर चेंज करते हैं इसको, इस स्लाइड को। द फर्स्ट पी सेट स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द पिक्सल एट द एक्स कोऑर्डिनेट वाई होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट 10 होगा, मतलब ये यहाँ पर। ओके, देन द सेकेंड पी सेट स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द पिक्सल एक्स कोऑर्डिनेट 319 एंड कोऑर्डिनेट 119 डार्क ग्रीन येलो। देखो यहाँ पर डार्क ग्रीन येलो शो कर रहा है। और इसके बाद द थर्ड पी सेट स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द पिक्सल एट द कोऑर्डिनेट 160 एंड बाई कोऑर्डिनेट 100 येलो येलो। ओके, तो मैं एक बार प्रैक्टिकली फिर आपको बता देता हूँ इसका आउटपुट कैसे आया। जैसा कि आप स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, देयर इज सब ऑल्ट एंटर और यहाँ पर मैं करता हूँ रन स्टार्ट। देख सकते हो यहाँ पर कि येलो भी आ चुका है, रेड येलो और ग्रीन। ओके, मैं बाहर निकल जाता हूँ और इसके बाद और पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट लाइन स्टेटमेंट। लाइन स्टेटमेंट क्या, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू ड्रॉ अ लाइन। इस स्टेटमेंट का यूज लाइन को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है बिटवीन टू पिक्सल्स, दो पिक्सल्स के बीच में ऑन द स्क्रीन। जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन स्टेटमेंट और ये दिया गया है और इसका एक्सप्लेनेशन है वेयर इज एक्स वन एंड वाई वन एंड एक्स टू एंड वाई टू आर द पिक्सल कोऑर्डिनेट। ये आप पिक्सल कोऑर्डिनेट हैं फॉर द टू एंड पॉइंट ऑफ द लाइन, यानी इनके लाइन के एंड पॉइंट हैं। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द कलर, आप इसमें कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हो ऑफ द लाइन। द कलर कोड इज नॉट गिवेन, यू बेसिक ड्रॉ द डॉट यूजिंग द वाइट कलर, मतलब इसमें कोई कलर नहीं दिया जाता है तो ऑटोमेटिक वाइट कलर आएगा इसमें। द बी इज यूज टू ड्रॉ, मतलब जो बी यूज किया गया है ड्रॉ अ बॉक्स एंड बी एफ, बी एफ जो यूज किया जाएगा इज द स्क्रीन इज यूज टू द बॉक्स फिल, बॉक्स को फिल करने के लिए दैट इज ड्रॉ अ बॉक्स एंड फिल अप द फिल विद अ कलर, मतलब बॉक्स आगे जाके करेंगे। हाल फिलहाल हम इतनी कमांड यूज करने वाले हैं, मैं इसको कमांड को यूज सिर्फ इतनी कमांड यूज करने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं अपने क्यू बेसिक की तरफ और कमांड को यूज करते हैं। मैं ऑल्ट एंटर कर लेता हूं और मैं सारी कमांड को रिमूव कर देता हूं यहां से। ओके, और मैं अपनी कमांड टाइप करने वाला हूं यहां पर लाइन, सॉरी पहले स्क्रीन कलर दे देंगे स्क्रीन, और यहां पर आपकी 7 पिक्सल की 7 पे सही पिक्सल आ जाएंगे लगभग। और यहां पर आप दे देंगे लाइन और 20, 20 ब्रैकेट माइनस, माइनस मतलब ये माइनस नहीं है, ये डैश कह सकते हैं इसको हम, एंड 60, 4। ओके, और यहाँ का आउटपुट आप देख सकते हो, मैं रन करता हूँ तो आउटपुट क्या आने वाला है इसका, आपके सामने ये लाइन आ चुकी है। ओके, ये आपका रेड कलर की लाइन आ चुकी है। तो अब करना है आपको टू ड्रॉ अ बॉक्स, अब आपको ड्रॉ बॉक्स करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगली स्टेटमेंट में कहा गया है कि टू ड्रॉ अ बॉक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा लाइन 20, 20 और बस बॉक्स 60, 60 करना पड़ेगा, और पहले भी किया था और 4B
फोर बी का मतलब आप समझ रहे हो कि आप यहाँ पर हमने कहा था बी बॉक्स के लिए, ओके। तो यहाँ पर आपको अब फोर बी, तो ये क्या होगा लाइन है, यहाँ पर एक बॉक्स आपके सामने बन जाएगा। प्रैक्टिकली अभी कर लेते हैं इसको, और यहाँ से हम स्टेटमेंट से बाहर निकल जाते हैं और एंटर करके यहाँ पर केवल आपको क्या कर देना है, आपको सिर्फ कॉमा के बाद बी टाइप कर देना है, ओके। और मैं बी टाइप कर देंगे, मैं कैपिटल बी होगा आपका, और रन कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आप कि एक बॉक्स बन चुका है, ओके। आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या कहा गया है इसमें। आगे टू ड्रॉ अ बॉक्स हो चुका है, अब यहाँ पे टू फिल अ बॉक्स, बॉक्स को फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, यानी पहले जो कहा था बॉक्स को फिल करने के लिए आपको बी एफ का यूज करना है, और बॉक्स को बनाने के लिए बी का यूज करना पड़ेगा। तो बॉक्स फिल का कमांड हो गया बी एफ, ओके। तो अब चलते हैं अपने क्यूबीसी की तरफ और एक बार इसको भी क्लियर कर लेते हैं। मैं कोई की दबा देता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ बी एफ, ओके। मैंने बी एफ टाइप किया और मैं रन कमांड में गया, और रन कमांड के बाद आप देख सकते हो कि इसका कलर फिलअप हो चुका है पूरा रेड से, ओके। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे जाके हम सीखते हैं इसमें सर्कल कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। सर्कल बनाने के लिए भी हमें आगे सीखना है, तो सर्कल बनाने के लिए आपको दिस इज द यू टू ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द स्पेसिफाइड पॉइंट विद अ गिवन रेडियस ऑन द स्क्रीन जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल स्टेटमेंट। अगर हमें सर्कल बनाना है तो आपको केवल सर्कल लिखना है और एक्स कॉमा वाई की वैल्यू यहाँ पे कितने एंगल पे बनाना है, रेडियस कलर, ओके। वेयर एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द पिक्सल कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये आपके स्क्रीन पर कहाँ बनाना है उसके लिए यूज होगा। द रेडियस इंडिकेट द साइज ऑफ द सर्कल, द मोर रेडियस द बिगर इज द सर्कल, इफ द कलर कोड चेंज करेंगे इज नॉट गिवेन, नहीं दिया, इट डिस्प्ले द सर्कल इन व्हाइट, जहां जहां कलर कोड नहीं दिया जाएगा वहां व्हाइट सर्कल होने वाला, ओके। तो टाइप करने वाले हैं स्क्रीन और सर्कल है 7x7.60.4, ओके। तो यहाँ पर आप रेडियस समझ में आ रहा है, रेडियस आपकी 60 होने वाली है और कलर 4 होने वाला है। आप देख चुके हो एक्स कॉमा वाई आपको क्या है, पिक्सल किस एंगल के लिए है और कहाँ बनाना है इसके लिए है। तो चलते हैं इसका प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने के बाद मैं यहाँ पर इससे कोई की दबाता हूँ और टाइप करता हूँ यहाँ पर स्क्रीन आपकी, ओके, स्क्रीन चेंज कर लेता हूँ थोड़ी, स्क्रीन 13 कर लेता हूँ इसका पिक्सल, और यहाँ पर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं CIRCLE, ओके, और ब्रैकेट 70। गाइज आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं कंप्यूटर पे तो आप कर ही सकते हो और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा ही दूंगा, साथ के साथ आप क्या करेंगे कि मोबाइल पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी वीडियो में। होप सो कि बहुत जल्दी एक दो दिन में बना दूं, ओके। तो मोबाइल पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, और रन करें अब इसको हम और स्टार्ट करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ सर्कल बन चुका है। अब बात आ जाती है कि इसका कलर भी फिल कर सकते हैं हम, तो देखें आगे कुछ दिया हुआ है कलर फिल करने के लिए। आई होप सो कि दिया हुआ है पेंट स्टेटमेंट, ओके। दिस स्टेटमेंट इज यूज टू फिल एन एनक्लोज्ड शेप विद द स्पेसिफाइड कलर, द नल सिंटैक्स ऑफ द पेंट कमांड, पेंट कमांड के थ्रू इसमें कलर आप फिल कर सकते हो। तो पेंट करने के लिए क्या करेंगे आप, पेंट एक्स कॉमा वाई फिल कलर और बॉर्डर कलर, मतलब यहाँ पर देख सकते हो कि एक्स कॉमा वाई एक्सप्लेन किया है, वेयर एक्स कॉमा वाई इज द कोऑर्डिनेट विद इन एनक्लोज अ शेप, फिल शेप द फिल कलर इज यूज टू स्पेसिफाई यूजिंग व्हाट कलर द पेंट ऑपरेशन विल बी परफॉर्म इन एंड द बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर के लिए ये यहाँ आ जाएगा इज यूज टू स्पेसिफाई द बॉर्डर टिल विच द फिल अप विल बी परफॉर्म। अब हम इसको ट्राई करते हैं, अलग अलग हैं, तीन कमांड दी हैं, तीनों कमांड हम शो कर लेते हैं, ओके। तो चलते हैं अपने क्यूबेसिक की तरफ और क्यूबेसिक से बाहर आते हैं, और मैं ऑल्ट एंटर से इसकी स्क्रीन फिर से लार्ज करता हूं और मैं पूरी कमांड इसमें लिखने वाला हूं। तो यहां पर आप यहां पर स्क्रीन 7 लिखेंगे और स्क्रीन 7 के बाद सर्कल तो रहेगा ही रहेगा, ब्रैकेट लगाएंगे 70x70 कहाँ बनाना है, और कॉमा 30 फिल कलर हो जाएगा आपका, और 4 आपका बॉर्डर कलर हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको सर्कल टाइप करना है और यही रखना है आपको 70x70,
और उसके बाद आपको 50.4 और इसके बाद एक फिर से कमांड इसको चला देता हूँ मैं इसको 70.70 और कॉमा 2.4। आप समझ रहे हो कि आप बुक में दिया हुआ है और जो ये दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका मतलब होता है कि बॉर्डर कलर कैसा होना चाहिए, ठीक है, और सॉरी बॉर्डर कलर फिल कलर कैसा होना चाहिए और जो बाद में लिखा हुआ वो बॉर्डर कलर कैसा होना चाहिए। तो मैं इसका आउटपुट ले लेता हूँ और आउटपुट लेने के लिए मैं रन करता हूँ और मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्सपर स्टेटमेंट समथिंग इज रॉन्ग, ओके मैं ओके करता हूँ और मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हटा देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि क्या आउटपुट आने वाला है। आपके सामने आउटपुट आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई कि फिल कलर ग्रीन नहीं हुआ है, कलर भी तो फिल करना है हमें, तो इसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई हम मिस्टेक कर रहे हैं। तो मैं देख लेता हूँ कि मिस्टेक हम कहाँ कर रहे हैं। ओके, हमारी गलती ये हो रही है कि यहाँ हमने कमांड गलत दी है, यहाँ पर सर्कल नहीं आएगा, यहाँ पे पेंट आएगा कलर करने के लिए, PAINT। ओके, अब आप फिर से रन कराइए और देख सकते हो क्या है। ओके ना इट्स फिलअप, मतलब सर्कल आपका बन चुका है और सर्कल के अंदर एक और सर्कल है जिसमें आप ग्रीन कलर हो चुका है। ओके, और फिर कोई यानी की प्रेस कीजिए और बाहर निकल जाइए और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आउटपुट है और आप देख सकते हो अब नाउ जनरेटिंग साउंड इफेक्ट इन क्यूबेसिक का, और क्यूबेसिक में आप साउंड भी डाल सकते हो। टू इसमें डालने के लिए आपको करना पड़ेगा टू जनरेट वेरियस साउंड एंड प्ले द म्यूजिक यू कैन राइट प्रोग्राम इन क्यूबेसिक, मतलब साउंड डालना है म्यूजिक प्ले करना है, तो आपको क्या करना है एक प्रोग्राम बनाना है जैसे अब तक हम प्रोग्राम बनाते आ रहे हैं। क्यूबेसिक यूजेस द इंटरनल स्पीकर टू प्ले द साउंड, क्यूबेसिक में अपने आप में एक इंटरनल स्पीकर है जो साउंड को प्ले करता है। बीप स्टेटमेंट, बीप स्टेटमेंट के लिए क्या करेंगे, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू जनरेट द टोन फॉर द शॉर्ट ड्यूरिंग, मतलब एक शॉर्ट ड्यूरिंग के लिए टोन आ जाएगी और मे बी पॉसिबल कि मेरी वीडियो में वो टोन ना सुनाई दे, लेकिन आपकी वीडियो में सुनाई देगी, वो टोन मैं सुन सकता हूँ, कोशिश करूंगा कि मैं आपको सुना दूँ। ओके, तो इट इज मोस्टली यूज टू प्रोग्राम ड्रॉ अटेंशन ऑफ द यूजर्स, ये प्रोग्राम किस लिए बनाया जाता है कि यूजर्स अटेंशन हो जाएं कोई भी काम कर रहे हो आप, तो प्रोग्राम टू जनरेट द बीप साउंड इफ द एंटर नंबर इज नेगेटिव, अगर कोई नंबर इसमें नेगेटिव दिया जाता है तो कोई नंबर गलत दे दिया जाता है तो साउंड बीप करेगा। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे कि प्लस सिर्फ पॉजिटिव प्रोग्राम बनाने हैं और सॉरी पॉजिटिव नंबर डालने हैं और लेकिन यहाँ पर आप अगर नेगेटिव डाल देते हो तो बीप करने वाला है। ओके, तो आगे देखते हैं पहले कि आगे है क्या। प्रिंट एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर कराना है, इनपुट एन, एन होता है कोई भी नंबर और जो क्या हो जीरो से बड़ा हो और अदरवाइज वो बीप करे अगर आप गलती कर देते हो। ओके, एंड इफ कर देंगे तो प्रोग्राम बनाते हैं और चलते हैं अपने क्यूबेसिक की तरफ और पुराना प्रोग्राम रन रिमूव कर देता हूं मैं और यहां से प्रोग्राम बनाना चालू करता हूं। और ओके, और यहां पर टाइप करता हूं प्रिंट और यहां पर आपके सामने आ जाएगा कि एक मैसेज टाइप होगा एंटर अ नंबर, एक नंबर टाइप करना है आपको और यहां पर इनपुट इनपुट कोई भी नंबर, यहाँ पर आप एन ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कंडीशन है इफ यदि एन, मतलब लेकिन ध्यान रखना जो इनपुट में ले रहे हो, यहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, इनपुट में दो पी बना दिए, ध्यान रखना कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, INPUT। ओके, एन मतलब यहाँ पर इनपुट में कोई भी नंबर लिया है, ओ सॉरी कोई भी अल्फाबेट लिया है वही अल्फाबेट लिया जाएगा और क्या हो देन लेस देन जीरो, अगर कोई नंबर जीरो से कम होता है तो क्या करें, यहाँ पर आप आगे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे बीप, बीप करें। ओके, तो मैं इसको एक मिनट में अपना प्रोग्राम में साउंड ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, वेट प्लीज। और मैं ओके, मैंने यहाँ पे साउंड ओपन कर लिया है और देखता हूँ कि मैं रन करता हूँ, रन करने के बाद अगर ओके मैंने कुछ गलत देखा है, इफ विदाउट एंड ओ सॉरी मैं यहाँ पर एंड इफ लगा हुआ है तो यहाँ पर हमें एंड इफ करना पड़ेगा। ओके, मैं फिर से रन कराता हूँ इसको, रन और स्टार्ट, एंटर आ नंबर क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है, मैंने कहीं मिस्टेक करा, चलिए मैं नंबर एंटर कराता हूँ बाद में चेक कर लेता हूँ। और 5 कोई बीप नहीं आती है और मैं फिर से इसको रन कराता हूँ और रन कराने के बाद मैं यहाँ पर करता हूँ
माइनस नाइन, एक बीप आई होगी और आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो बीप आपको भी सुनाई देगी। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या है आपके पास। साउंड स्टेटमेंट, साउंड स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू जनरेट अ साउंड, इसका यूज किया जाता है साउंड जनरेट करने के लिए, ऑफ द स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, कोई फ्रीक्वेंसी होती है या कोई ड्यूरेशन होती है, जनरल फ्रॉम फॉर्म ऑफ साउंड स्टेटमेंट, साउंड फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन, मतलब यहाँ जो स्टेटमेंट आएगी वो साउंड आएगी और फ्रीक्वेंसी कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है यहाँ पर दिया जाएगा। ओके, तो इन द साउंड स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी इज वैल्यू इज हर्ट्ज, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है, एंड ड्यूरेशन इज द नंबर ऑफ टिक फॉर विच यू वांट टू साउंड प्ले, सो वन सेकेंड इज रफली अबाउट 20 टिक्स, मतलब यहाँ वन सेकेंड ये लगभग 20 टिक के बराबर, टिक्स के बराबर होती है, द अलाउड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 37 टू 32, मतलब फ्रीक्वेंसी 37 से लेकर 32 होती है और 7, 6, 7 ये हमारी ड्यूरेशन के समथिंग होती है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल क्रिएट अ साउंड 1000 हर्ट्ज दैट विल बी फॉर 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड के लिए होती है और यहाँ पे पूरा दिया साउंड 1020, ट्राई द फॉलोइंग कोड इन लिसनिंग टू साउंड फॉर एक्स, और मैं इसके लिए आपको कोड देने वाला हूँ और मैं प्ले करने वाला हूँ इसको। तो सबसे पहले मैं पुरानी स्टेटमेंट, पुरानी हमारे प्रोग्राम को रिमूव कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और ओके रिमूव करने के बाद मैं यहाँ से फिर से लिखता हूँ साउंड 1000 कॉमा और फ्रीक्वेंसी 20, सॉरी फ्रीक्वेंसी 1000 एंड ड्यूरेशन 20, एंड यहाँ पर आप लिखेंगे 4x इक्वल्स टू 1000 टू 1500, और यहाँ पर आप डालेंगे साउंड एक्स कॉमा 0.1। ओके, और यहाँ पर टाइप कर देंगे वापस से, यानी नेक्स्ट साउंड आ जाएगा एक्स। ओके, अब मैं इसको प्ले करूंगा और देखते हैं कि इसका साउंड आता है कि नहीं आता है। ओके, और यहाँ पर मैंने कुछ, यहाँ पर आप लिखेंगे एंड इफ। ओके, अब मैं रन करूंगा और साउंड डेफिनेटली आने वाला है, मैं एक बार साउंड चेक कर लूँ। ओके, साउंड आ जाएगा, होप सो के स्टेटमेंट सही है, आप यूज करेंगे तो साउंड डेफिनेटली आएगा, और रन करूंगा और स्टार्ट, विंडो पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, देखिए थोड़ी देर में प्रेस एनी की, मतलब ये रन हुआ था और साउंड आया था। ओके, फिर से ट्राई करते हैं, ओके बीप आपको सुनाई दी होगी और ये साउंड आया था। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा प्ले स्टेटमेंट, और दिस स्टेटमेंट इज यूज टू प्लेइंग म्यूजिक, अगर आपको म्यूजिक प्ले करना है जनरल फॉर्म ऑफ प्ले स्टेटमेंट, तो आपको क्या करना है प्ले, तो अब आप इसका खुद प्रैक्टिकल कर लेना है। यहाँ पे स्ट्रिंग इज अ सीरीज ऑफ लेटर नंबर एंड सिंबल्स दैट कन्वे द म्यूजिकल इंफॉर्मेशन सच एज ऑक्टावास एंड नोट्स एंड ड्यूरेशन, प्रोग्राम टू मेक द यूज प्ले स्टेटमेंट टू जनरेट द शूटिंग टून्स, देखिए सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको म्यूजिक आना चाहिए और आप इसको प्रोग्राम को जैसा का जैसा लिखा हुआ है वैसा कॉपी कर देना तो म्यूजिक बजने लग जाएगा, मुझे टाइम लगेगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा, आप खुद इसको कर लेना, स्क्रीन होल्ड करके आप प्रोग्राम को क्यू बेसिक में लिख लेना। आगे की तरफ चलते हैं, ये सारा रिवीजन दिया हुआ है और रिवीजन में आपका पूरा निचोड़ दिया होता है कि अब तक आपने क्या पढ़ा, तो प्लीज इसको स्टॉप करके आप ध्यान से इसको पढ़ने वाले हो। ओके, स्टॉप करेंगे और ध्यान से इसको पढ़ेंगे और चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज कुछ अगर समझ में ना आओ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजना, क्योंकि बेसिक बड़ा लेंथी चैप्टर है, सो इसमें बहुत सारी कमांड है लेकिन आपके बुक में इतनी दी हुई है, हम इतने ही करने वाले हैं। ओके, तो प्लीज चलते चलते यार प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, साथ के साथ कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।